अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो है कीमा आलू, जो कि बहुत ज़ाहिर सी बात है हर घर में बनती है ये डिश और बहुत ही मज़ेदार होती है। जितनी बार भी आप बनाओ आपको एक न्यू ही मज़ा आता है, एक न्यू लुक होती है इस डिश की। और कीमा आलू में बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, कीमा लोबिया होता है, कीमा आलू होता है, कीमा बैंगन, कीमा मतलब कीमा पराठा, बहुत सारी रेसिपीज़ कीमे की बनती हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा आलू, और बहुत ही यूनिक स्टाइल में, बहुत ईजी, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है और झट बना लेंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने तकरीबन लिया है एक पाव कीमा, ठीक है, और ये प्याज है, एक बड़ी प्याज है, ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, और ये टमाटर एक छोटा, और ये आलू हैं तकरीबन मैंने 3 छोटे आलू लिए, और ये मसाले हैं, पिसे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसे धनिया जो है मैंने 1 टेबल स्पून भर कर लिया है, और ये नमक है 1 टीस्पून, और पिसा गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के, ठीक है। थोड़ी सी इसमें चिकनाई है क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा कम हो गया है, 1/2 कप से कम करना है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे तीर वगैरह रामन वगैरह, तो फिर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हमारे प्याज ब्राउन हो रही है तो हम इसमें सिर्फ ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है। प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुकी है, ज़्यादा काट नहीं करनी, इतनी काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें हम कीमा डाल देंगे, इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून भर कर, ठीक है। इसको हम अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लेंगे, ठीक है, ताकि जो गोश्त की स्मेल वगैरह वो अच्छी तरह निकल जाए, वरना फिर जो स्मेल आती है वह अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। और इसमें मसाले डाल देंगे, जैसे धनिया, जैसे लाल मिर्च और नमक, इस तरह मसाला हम ऐड में डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम दही डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसमें टमाटर डाल देंगे एक छोटा। इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। कीमे को बनाने के लिए हमने 2 गिलास पानी डाल दिए, तो इसको उबाल आ जाएगा, मैं दम पे रख दूंगी, ठीक है। ये हमारा जो है कीमा भून चुका है और हाँ टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे, देखिए माशाल्लाह से भून चुका है। इसमें हरा धनिया डाला है अभी, और ये पिसा गरम मसाले है 1 टीस्पून, ये सबसे एंड में डालेंगे ताकि आपके मसालों की जो खुशबू है ना वो बरकरार रह सके, ठीक है। अब इसको हम, ठीक है, और इसमें एक हरी मिर्च कट लगा के रख देंगे। ये मसाले मैं डाल चुकी हूँ, तो ये कि ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो जाए
हम इसको दम पे रखेंगे।